दोस्तों जब स्मार्टफोन पर उंगलियां फिसलेंगी तब नहीं आएंगे 90%, पूरे पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकेंगी तब आएंगे 90%। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी आप लोग दिसंबर से पढ़कर किस प्रकार से करेंगे। तो आज के इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा, आपका 90% तक बिल्कुल आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको यहां पर कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं, बिल्कुल डिफरेंट वीडियो आपको होने वाला है। आपने ऐसी वीडियो काफी ज्यादा देखी होंगी, लेकिन उन सब से हटकर यह वीडियो दोस्तों आपके लिए होगा। तो आपको यहां पर 2024 बोर्ड परीक्षा का जब रिजल्ट आए तो आपको पछताना ना पड़े कि काश मैं पढ़ लिया होता तो आज मेरा भी 90% आ जाता। तो आपको पछताना नहीं है, मेहनत करके आपको अपना टाइम लाना होगा, यानी कि बिना मेहनत के तो देखिए आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको मेहनत करके अपना टाइम लाना है, और जब 2024 बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आएगा तब आपको पछताना नहीं है। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं दिसंबर से। देखिए सारी चीजें अच्छे तरीके से मैं आपकी क्लियर करूंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगा, बहुत ही ज्यादा खास बातें मैं आपको बताने वाला हूं। और यहां पर दोस्तों आपको देखना है कि आपने कितना समय देखिए बर्बाद कर दिया, आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये टोटल जितना भी समय है आपका जा चुका है। अब आपसे मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने इस समय में कितनी पढ़ाई करी, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। आपको यहां पर देखना है दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें आपका फिर दोबारा से टाइम नहीं आएगा, पूरे आपकी लाइफ में बात करें तो आपको दोबारा से देखिए 12th या 10th नहीं करना है। आप लोग यही 3 महीने बस आपके पास बचा हुआ, इसके बाद आपका टाइम भी नहीं आने वाला। तो यहां पर अगर खुद पर विश्वास हो तो कभी भी शुरुआत करके 90+ फोड़ा जा सकता है, फिर आपका टाइम भी नहीं आएगा। तो इसलिए इन 3 महीने पर ही आपको फोकस करना है, और एक एक चीजें जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं बिल्कुल आप लोग यहां पर अंत तक बने रहेगा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि सुबह उठकर पढ़ो, टाइम टेबल बनाकर पढ़ो, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, ऐसी आपने YouTube पर हजारों वीडियो देखी होंगी और आप लोग डेली की वीडियो देखते भी हैं, तो मतलब उन सभी से बिल्कुल ये डिफरेंट वीडियो होगी, बस आपको यहाँ पर अंत तक देखना। अब मैंने कहा कि भैया आपका बार बार टाइम नहीं आएगा या दोबारा टाइम नहीं आएगा, आपका यही लास्ट मौका है। तो आप ये बताइए मुझे कि आपको यहाँ पर देखिए मौका सबको मिलता है, लेकिन बार बार नहीं। भैया आपको मौका एक बार मिला है, इसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा बोर्ड एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा, या आप दोबारा बोर्ड एग्जाम देंगे भी नहीं और देना चाहते भी नहीं हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पर यही समझना है कि मौका सबको मिलता है, आपके पास अभी मौका है, लेकिन दोबारा ये चांस नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आप लोग अपने माइंड में अभी रख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने अगली बातों की, ठीक है। अगली चीज़ जो भी है आपको समझना है बिल्कुल अंत तक। देखिए यहाँ पर आपको जो है ये वीडियो कितने प्रकार के छात्र देख रहे हैं, पहली बात तो देखिए यहाँ पर 3 तरह के छात्र होंगे। जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई करी, तो ये समझिए। अब इसके बाद यहां पर कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने आधा पढ़ लिया है और आधा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, तो ये हो गया। तीसरे जो है ऐसे छात्र होंगे जो छात्र पूरा पढ़ चुके होंगे, लेकिन उनको यही क्लियर नहीं हो रहा है कि हमारी तैयारी आखिरकार हो चुकी है या नहीं हुई है, ठीक है। तब आप शुरुआत कैसे करेंगे, इन तीनों प्रकार के छात्रों के लिए यह वीडियो एकदम रामबाण साबित होगा। तो यहां पर आपको शुरुआत करने का मैं तरीका बताऊंगा, बस चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो चीजें मैं अभी तक देखिए आपको बताया हूं, जितने भी चीजें आपको मैंने बताया है, ये सारी चीजें मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि हां ये वीडियो आपके लिए है और आप इनमें से आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भैया यहां पर। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नंबर 1, एक नंबर पॉइंट। देखिए यहां पर हर एक पॉइंट को समझना है। पहला पॉइंट है अपना गोल जरूर बनाएं। देखिए क्या होता है, आप अगर किसी
भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप तो अभी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे तो आपको ये तो होगा ना कि हाँ हमारा गोल ये है कि मुझे ये जॉब चाहिए, ठीक है, तभी तो आप एक लक्ष्य बनाकर चलेंगे। तो किसी भी चीज़ में आपका गोल सेट होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में अपना एक लक्ष्य ज़रूर बनाना है आपको कि मुझे दिसंबर से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो आखिरकार 3 महीने में मुझे कितना परसेंटेज चाहिए, 80%, 85%, 90%, 95%। आपको ये सोचना है कि मुझे इनमें से कोई मतलब एक जो है गोल सेट करना पड़ेगा। अब आपको दोस्तों पास होने से नहीं रहना, मतलब ये नहीं सोच लेना है कि हाँ मुझे सिर्फ पास होना है। पास होने के लिए तो सभी जो है पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अपना टाइम लाना है, अपना नाम रोशन करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, ठीक है, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना। तो ऐसे में आपको ये परसेंटेज का एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, ठीक है। टॉपर देखिए कहीं अलग दुनिया से नहीं आते, हमारे और आपके बीच से ही टॉपर स्टूडेंट निकलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अपना गोल सेट करना है। इसके बाद भैया यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2, जो चैप्टर पढ़ लिए हों, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए रिवीजन में क्या करना है। देखिए हमने क्या होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो आधा पढ़े हैं और आधा नहीं पढ़े हैं, जो छात्र पूरा पढ़ लिए हैं और जो कुछ नहीं पढ़े, तो उनमें से देखिए क्या होता है, रिवीजन में सबसे पहले तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है भैया। शॉर्ट नोट्स यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या मैथमेटिक्स है, ऐसे सब्जेक्ट में क्या करेंगे आप लोग, उनमें जैसे फिजिक्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट फार्मूला चैप्टर वाइज आप लोग देखिए, फिर उसमें देखिए कि किस चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, किस चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उसमें से आपको फार्मूले जो है सेलेक्ट करने हैं। आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, 4 से 5 पेज का एक चैप्टर, मतलब पूरा फिनिश कर देना, ठीक है। तो इसके बाद आपको डेरिवेशन, और ये देखना देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो हर साल नहीं बदलता, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो एक चैप्टर से हर साल नहीं बदलता। एक चैप्टर से जैसे 4 या 3 या 4 लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपके वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एक पेपर के सेट में। तो ये चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, तो जब आप लोग पेपर पैटर्न देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो, तो हर एक चैप्टर में 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते ही हैं, ठीक है। रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, पीछे का जो आप पढ़ चुके हैं वो भूलता जाएगा। तो ऐसे में मेरा मानना ये रहता है कि आप लोग शॉर्ट नोट्स जब बनाएंगे और उसी में आप लोग रिवीजन करते जाएंगे तो जो चीज़ें हैं वह क्लियर रहेंगी और आगे का पढ़ते जाएंगे और आपको भूलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है कि चैप्टर वाइज आपको रिवीजन भी करना है और इसको जो है टाइम के साथ मैनेज करना है। अब यहाँ पर नंबर 3 आपका है कि इतना समय गया, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी, क्या हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्या हमेशा बुक से पढ़ते रहें, खेलना कूदना भी बंद कर दे, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं मैं आपसे कहूंगा, आपको सारी चीजें करनी है। बस यहां पर क्या होता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, दो प्रकार से आपको वर्क जो है करने का तरीका होता है। अब आप हार्ड वर्क करते हैं या स्मार्ट वर्क करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहां पर बात करें बच्चों, हार्ड वर्क में आपका 8 से 10 घंटे जो है पढ़ाई करते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी परसेंटेज नहीं आता, परसेंटेज आपका 65 से 70-75% ही रहता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते जो 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करके 90 से 95% फोड़ देते हैं। इसमें आखिरकार क्या होता है, स्मार्ट वर्क में क्या चीजें होती हैं, वो आपको मैं यहां पर समझाने वाला हूं। देखिए क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे जो है हार्ड वर्क के अंतर्गत मान लीजिए बुक लेकर आप बैठे हैं, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं जा रही हैं, तो इसे बोलेंगे आप लोग हार्ड वर्क लिए बैठे हैं लेकिन चढ़ नहीं रहा है। और स्मार्ट वर्क क्या है, आप लोग उसी चीज़ को लिख लिख कर तैयार कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है लिख कर तैयार करते हैं और आपके माइंड में वो तैयार भी हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये आपका स्मार्ट वर्क हो जाता है कि कम समय में बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सिर्फ आपको टॉपर की तरह पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स मैंने बताया कि आपको नोट्स बनाना है पाठ्यक्रम जब कंप्लीट होगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब आपको यह देखना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको आप लोग तैयार करिए। क्वेश्चन बैंक से आपको पढ़ना है, आपको गोल सेट करके पढ़ना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहां पर बताऊंगा कि आपको मॉडल पेपर, जैसे आप लोग किसी भी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड,
जिस भी स्टेट बोर्ड से हैं आप लोग, वहाँ की आप लोग बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे, मॉडल पेपर दिसंबर तक हर एक बोर्ड पर जारी हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग मॉडल पेपर देखिए, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखिए, और उससे आपको ये क्लियर होता है कि आपके जो क्वेश्चन हैं, पेपर का पैटर्न है वो कैसा आएगा, किस चैप्टर से जो है ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे डेरिवेशन आते हैं, किस मतलब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप कितने आते हैं और लॉन्ग शॉर्ट कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी पिछले वर्षों के पेपर और मॉडल पेपर से, ठीक है। तो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र और ये जो है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर से आप लोग सॉल्व करिए, इनसे बहुत ही ज़्यादा यार हेल्प मिलती है। आप लोग समझ लीजिए कि 30% आपका जो नंबर है वो आपका इनमें से अच्छा आने वाला है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनको सॉल्व करने का आपको प्रयास करना है। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहाँ पर सभी विषयों पर एकाग्रता बना के रखना है। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हिंदी इंग्लिश अच्छा, फिजिक्स कमज़ोर है, किसी का फिजिक्स अच्छा है तो केमिस्ट्री कमज़ोर है, तो इसलिए सभी विषयों पर आपको एकाग्रता बनाना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा विषय अच्छा है और कौन सा कमज़ोर है, उसके अनुसार आप एक अपना टारगेट सेट करेंगे कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतना नंबर चाहिए। मान लीजिए हिंदी आपका अच्छा है तो आप 95 का टारगेट बनाकर इसमें चलिए, इंग्लिश अच्छा है तो इसमें भी आप 90 या 95 का टारगेट बनाइए, फिजिक्स अगर थोड़ा सा वीक भी है या मान के चलिए आप इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कम से कम 80 नंबर तो इसमें लाने का ट्राई करिए ही करिए। और इसके बाद मतलब ऐसा करना है कि जो सब्जेक्ट वीक है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको देना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको सभी विषय में एकाग्रता के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर हम लोग आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि आपको सोशल मीडिया से दूरी बना लेनी है। मैंने आपसे जैसे शुरू में ही बताया कि आपको स्मार्टफोन पर उंगलियां फिसलाने से अच्छा है कि आप अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा उंगलियों को फिसलाएं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सारी चीजें आपको 3 महीने के लिए, मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको सिर्फ 3 महीने के लिए ये बंद कर देना है। और अगर आप इतना कर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा आप लोग देखेंगे और अपने आप को एकदम अच्छे लेवल पर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर सिर्फ 3 महीने के लिए आपको कसम खा करके छोड़ देना है, और ऐसा अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो है कहाँ पर अपने आप को पाएंगे। तो यहाँ पर आपको पढ़ाई में मन लगाना है। लिखावट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हैंड राइटिंग अपनी सुधारना है। मान लीजिए कि आप कॉपी पर वहाँ पर अच्छा नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या मतलब, तो ऐसे में आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी हैंड राइटिंग को सुधारना है। आप ऐसा करिए, पढ़ते जाइए और उसी क्वेश्चन को आंसर को जो है कॉपी पर भी लिखने का ट्राई करिए, तो आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस रहेगी और हैंड राइटिंग भी आपकी अच्छी रहेगी। लॉन्ग क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, तो ये जो बचा हुआ टाइम है इस पर आपको बहुत ही अच्छे से करना है। और ये पढ़ाई के लिए आपको टाइम जो है यहाँ पर देखिए सुबह शाम और दोपहर का ये फिक्स टाइम, अपना टाइम टेबल आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, बाकी अच्छे से पढ़ाई आपको करनी है। और इतना अगर आप सारी चीज़ें कर जाते हैं तो यार आप लोग 100% जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें अगर आप क्लियर तरीके से पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।